सोने चांदी की दुकान से 1 लाख रुपए के आभूषण उठा ले गए चोर। दुकान से बदमाशों ने सोने ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। सराफा व्यापारी बाजार गया था किसी काम से। व्यापारी की पुत्री चला रही थी दुकान। बच्चियों को बातों में उलझाकर बदमाशों ने जेवरात उड़ाए। सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश पुलिस मौके पर पहुंची। ग्राहक बनकर आए ठग सोना चुरा कर ले गए। इंदरगढ़ नगर में दोपहर करीब 11:30 बजे के आसपास संजीव कुशवाहा की ज्वेलर्स की दुकान पर ग्राहक बनकर आए 2 ठग करीब 13 ग्राम सोना चुरा कर ले गए थे। घटना के समय दुकान पर दुकानदार की दोनों बेटियां थीं। दुकान पर चोरी की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर दोनों चोर नजर आ रहे हैं। कुशवाहा ज्वेलर्स के संचालक संजीव कुशवाहा ने बताया कि दोपहर करीब 11:30 बजे दुकान पर दोनों बेटियाँ थीं। शेष लोग बगल में भागवत होने के कारण व्यवस्था देखने चले गए। इतने में 2 ठग ग्राहक बनकर आए और उन्होंने चांदी की ताबीज ली। उसके बाद उन्होंने सोने की बालियां दिखाने को बोला तो बच्चियां उन्हें सोने की बालियां दिखाने लगी। इतने में अंदर हाथ डालकर सोने के ताबीज की थैली उठा ली जिसमें करीब 13 ग्राम सोने के ताबीज थे। उन्हें चुरा कर भाग गए। चोरी किए गए सोने की कीमत करीब 1 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे देखे तो दोनों ठग दुकान के सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें पहचानने की कोशिश की जा रही है। इंदरगढ़ से संवाददाता शिवरमन सिंह राठौर की रिपोर्ट। क्या हुआ फिर? तो आपने कैसे देखा उनको सामान के लिए? वो जब जाने लगे तो डब्बा उठा तो उन पर थोड़ा डाउट हुआ तो वो डब्बा भी तौल मिलाने गए तो कम निकली तौल तो उसके पीछे भी गए और वो बगल में अंकल बैठे थे उनसे भी कहा आप उनको पकड़ो तो वो ही उनके पीछे चले गए। तो अंकल जी आए फिर तो कितने लोग थे? 2-3-4 भी हो सकते हैं। तो गाड़ी खड़ी थी उनकी बाहर घर बाइक। तो यार जब वो उसने उठाया तो यहाँ के कितने लोग बैठे थे? दो बाहर खड़े थे। सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे हैं तो दो बाहर खड़े थे। 4 लोग थे मैंने फोन मिला। कितना वजन बता रहे हैं आपको? कितना बताया? 13-14 किलो। बेटा क्या हुआ आज दुकान में? क्या घटना हुई बताए? एक अंकल जी आए और उनने कहा ताबीज दिखा तो हम ताबीज दिखाने लगे चांदी की मांगी तो उनकी पर्ची भी बन गई। उनने पैसे भी दे दिए उसका सब हिसाब क्लियर हो गया था। फिर उनने कहा सोने की बाली दिखा दो तो बाली दिखाने लगी ये दीदी हमारी तो बाली दिखा रही थी। फिर उनने वो डब्बा था पूरे डब्बे में से बोलने लगे ये दिखाओ ये दिखाओ ये दिखाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था और डब्बे में भी हाथ डाल दिया। हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे डालना हम कुछ बोल पा रहे और डब्बे में हाथ डाल के लेगा पता भी नहीं चला। वो बाद में तौल मिलाई तो पता चला कि कम आई तब उसको तब गए जब वो निकला। कितना वजन कम होगा? कितनी बाली कम होगी? 13-15 ग्राम वजन कम होगा। 13-14 ग्राम मतलब कितनी बाली होगी? बाली नहीं तो ओम की तवज ही लेगा उसमें सबकी तभी बाली भी थी ओम की तवज बेसर। क्या नाम है आपका? ये घटना घटित हुई है कब हुई है और कैसे हुई है? 11:30 पे हुई है। दोनों बच्चियाँ थी हम खाना खाने गए थे। क्या हुआ पूरा बताया? पहले बोले एक ताबीज दिखाओ दोनों बच्चियों से। उन्होंने ताबीज दी ताबीज लेके उन्होंने पैसे भी दे दिए पर्ची भी दे दी उनके लिए। फिर बोले हमें और कुछ दिखाओ सोने की तो बच्चियों ने सोने की कुछ दिखाई तो बोले नहीं ये नहीं ये दिखाओ ये नहीं दिखाओ। और बच्चियों के जो वो था डिब्बा उसमें हाल डाल के और वो खाली उसमें क्या चीज ले गए? ओम थी 12-13 ग्राम एक नहीं 12-13 ग्राम ओम थी एक पन्नी ले गए। कितने के होंगे अंदाज़? कीमत कितनी? 80-90 हज़ार की लगभग। 80-90 हज़ार की कीमत होगी। इस टाइम दुकान उस टाइम दुकान पर कौन था? दोनों बच्चियाँ थी। दोनों बच्चियाँ थी